नमस्कार, मैं डॉक्टर मयूरी कोठेवाला हूँ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी जयपुर से। आपका फिर से स्वागत है आपकी फेवरेट चैनल में, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं वुमेन रिलेटेड सारे हेल्थ इश्यूज और प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी समस्याएं। ये मेरा प्रेगनेंसी वीक बाय वीक पे सेकेंड वीडियो है, जिसमें मैं आपको प्रेगनेंसी के हर हफ्ते पे होने वाले चेंजेस, बच्चे के अंदर बदलाव, आपके बॉडी के अंदर चेंजेस, क्या क्या नए सिम्टम्स आपके अंदर देखे जा सकते हैं, और आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स उस हफ्ते के लिए क्या हो सकती हैं, वो सब डिस्कस करूँगी। तो ये मेरा वीडियो बताएगा आपको 5वें से 8वें हफ्ते के बारे में। प्रेगनेंसी का जो सेकेंड मंथ होता है, 5 वीक्स से लेके 8 वीक्स तक का जो समय होता है, उसके बारे में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था पहले चार हफ्तों में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो वहाँ पे 4 वीक्स के एंड पे आपका पीरियड मिस हो जाता है, आपको ये कंफर्म हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। आप टेस्ट से कंफर्म कर सकती हैं, ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट दोनों ऑप्शंस रहते हैं, और बच्चा अपनी एम्ब्रायो वाली स्टेज में होता है, जहाँ पे वो आपकी बच्चेदानी में इम्प्लांट हो चुका होता है। 5th वीक में अभी आपका बेबी बहुत छोटा है, लेकिन उसका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, मसल्स, ये सब बनना स्टार्ट हो चुका है। आपके और आपके बेबी में कनेक्शन बनाता हुआ प्लेसेंटा स्टार्ट हो जाता है डेवलप होना, और बच्चे को सेफ रखने के लिए एक एमनियोटिक सैक, एक पानी की जो लेयर होती है उसके चारों तरफ, वो भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। ये एमनियोटिक सैक आपके बेबी को वार्म और हेल्दी रखने के लिए हेल्पफुल रहता है, और वो उसको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एक स्पेस प्रोवाइड कराता है, जिसमें वो आराम से बेबी अपने मूवमेंट्स कर सके। बेबी की अवलनाल यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड, जो प्लेसेंटा और बच्चे को कनेक्ट करती है, वो भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। और जीन्स और क्रोमोसोम्स की मदद से आपके बेबी का जो कलर होना है, उसके बालों का कलर, आइज का कलर और बच्चे का सेक्स, ये सब चीज़ें ऑलरेडी डिसाइड हो जाती हैं। तो ये तो होगी बच्चे की बात। अब प्रेगनेंसी के 5वें हफ्ते में जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। उनमें सबसे पहला रहता है कि आपका मन खराब रहने लगता है, आपको उल्टी जैसा भी महसूस हो सकता है कई बार, आपको थकान रहती है, नींद ज़्यादा आती है, आपको बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है, आपकी छाती में भारीपन रह सकता है, निपल्स के चारों तरफ कालापन, काला घेरा और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, और आपको खाना नहीं पचना, एसिडिटी, ये सारी कुछ दिक्कतें रह सकती हैं। तो 5th वीक के लिए मेरा टिप यही है कि अगर आपने अभी तक अपने डॉक्टर को नहीं विजिट किया है, अभी तक अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं किया है अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, तो वो जल्द से जल्द ज़रूर करिए। तो आइए बात करते हैं 6th वीक की, प्रेगनेंसी का 6ठा हफ्ता। प्रेगनेंसी के 6ठे हफ्ते में बच्चा और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है साइज में, और लगभग एक गोली की साइज के जितना वो बड़ा हो जाता है। या फिर अगर आपने टैडपोल देखा है, जो जैसे फ्रॉग का बेबी होता है, उसको हम टैडपोल कहते हैं, तो वो उस साइज का, उस शेप का डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। 6th वीक में आपके बच्चे की आईज और हाथ पैरों के लिए जो डेवलप होने के लिए जो बड्स होते हैं, लिम्फ बड्स, वो विजिबल हो जाते हैं, और बच्चे का ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन, ये सब विकसित होता है। 6th वीक की सोनोग्राफी में आपका बेबी विजिबल हो जाता है, और उसमें कई बार हार्ट बीट भी दिखाई देने लगती है। लेकिन अगर आपके 6th वीक की सोनोग्राफी में हार्ट बीट नहीं दिखाई देती है, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में फिर हम पेशेंट को यही कहते हैं कि आप 10 से 15 दिन बाद वापस से सोनोग्राफी करवाइए। उस टाइम पे 90% ऑफ द टाइम्स बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है। 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके अंदर जो सिम्टम्स हैं वो और बढ़ते हैं, और ज़्यादा ऑब्वियस एविडेंट हो जाते हैं। आपको जी मचलाना, नौजिया रहना, उल्टी की समान रहना, या बार बार उल्टी आना, मॉर्निंग सिकनेस, या फिर आपको नीचे कमर के हिस्से में दर्द रहना, बहुत ज़्यादा थकान रहना, ये सब चीज़ें जो आपको 5th वीक में हो रही थी, वो और ज़्यादा बढ़ती हैं 6ठे हफ्ते में। आपका वेट हल्का फुल्का चेंज हो सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी आती है, खाना नहीं खाता है, तो आपको वेट लॉस भी महसूस होता हो सकता है शुरू के कुछ दिनों के अंदर। तो 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में मेरा आपके लिए यही टिप है कि अगर आपने अपना
सोनोग्राफी अभी तक नहीं करवाया है, तो वो आप अपने डॉक्टर के साथ प्लान करिए। अगर आपका टाइम हो चुका है फर्स्ट अल्ट्रासाउंड का तो वो आपको करवा लेना चाहिए। अगर अभी तक आपने अपने फॉलिक एसिड स्टार्ट नहीं की है या कोई भी दवाई जो डॉक्टर को लगता है आपकी हिस्ट्री को देख के कि आपको स्टार्ट हो जानी चाहिए वो स्टार्ट नहीं की है, तो प्लीज़ जल्दी करिए। साथ में आप अपने डॉक्टर से प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आपको जैसे कि बार बार पेशाब आता है तो वो एक लक्षण यूरिन इन्फेक्शन का भी हो सकता है, तो उनमें कैसे फ़र्क करना है वो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। आपको कमर में निचले हिस्से में क्रैम्प्स आते हैं, पेट दर्द होता है बार बार उठते बैठते टाइम या पोजीशन चेंज करते टाइम, तो वो क्रैम्प्स कहीं अबॉर्शन के क्रैम्प्स तो नहीं है, वो नॉर्मल क्रैम्प्स हैं कि नहीं, वो सब चीज़ें आप अपने डॉक्टर से ज़रूर समझिए क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मेरे पास डेली पेशेंट जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो डेली ये कंप्लेंट के साथ आती हैं कि आज ये हो रहा है कल वो हो रहा है, तो जब उनको समझाया जाता है कि ये नॉर्मल चीज़ है तो फिर उनको तभी वो सिम्टम्स से रिलीफ मिलता है। नहीं तो जब तक वो ये सोचते रहते हैं कि ये कहीं बच्चों को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, ये पेन जो है अबॉर्शन का पेन है, तो वो और ज़्यादा घबराते रहते हैं। तो इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये समझें जो फ़र्क है नॉर्मल पेन्स में अबॉर्शन पेन में, उस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। कोई भी आपका सिम्टम है बॉडी में वो नॉर्मल सिम्टम है या वो किसी खतरे की निशानी है, वो चीज़ के लिए आपको पहले से पता होना चाहिए और वो तभी पता चलेगा जब ये सब बातें आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि आपने अपनी दवाइयाँ स्टार्ट कर दी हैं, साथ में आपकी अगर कोई ऐसी आदत है जैसे स्मोकिंग या अल्कोहल लेना, तो वो भी आपको तुरंत ही बंद करना होगा क्योंकि इस टाइम पे बच्चे का विकास स्टार्ट हो चुका है, उसके ऑर्गन्स डेवलप हो चुके हैं, अब उनको विकसित होना बाकी है। तो उस ड्यूरेशन में अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो बच्चे में बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बच्चे में कुछ बनावटी खराबी हो सकती है। तो इसीलिए अपने को इस टाइम का ध्यान रखना है और ये सारी आदतें छोड़नी है। तो आइए हम बात करते हैं बेबी का सेवेंथ वीक, सातवां हफ्ता प्रेगनेंसी का। उसमें आपका जो बेबी है वो लगभग एक अनार के दाने जितना बड़ा हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि बच्चे की आँख, बच्चे की रीढ़ की हड्डी, ब्रेन, हार्ट, ये सब ऑलरेडी डेवलप हो गया है, तो बस इनका विकास चलता रहता है। ये अपनी साइज में बड़े होते हैं और फंक्शंस में धीरे धीरे से डेवलप होने लगते हैं। सातवें हफ्ते पे आपके बच्चे के फेस के स्ट्रक्चर्स जैसे कि नॉस्ट्रिल्स, नाक के जो छेद होते हैं वो विकास होता है, उनका आईज, माउथ, लंग्स, इंटेस्टाइन, इन सब चीज़ों का विकास होने लगता है। तो प्रेगनेंसी के सातवें हफ्ते में जो गर्भवती महिलाएं हैं, जैसा कि मैंने कहा आपको वही सारे सिम्टम्स हैं, प्रेगनेंसी के कुछ शुरुआती सिम्टम्स हैं वही आपको शुरू से लेके आखिरी तक दूसरे महीने में वही दिखाई देते हैं, बस उनकी सिवियरिटी इंक्रीज हो सकती है। किसी दिन वो आपको बहुत ज़्यादा महसूस होंगे, किसी दिन आपको थोड़ा रिलैक्स लगेगा, लेकिन सिम्टम्स वही होते हैं। आपको निचले हिस्से में दर्द रह सकता है, पेशाब बार बार आ सकता है, आपको छाती में तनाव रह सकता है, आपका जो एरियोला है निपल्स के चारों तरफ ब्लैक एरिया वो बढ़ सकता है साइज में, उसमें कुछ दाने दिखाई दे सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस हो सकती है, पूरे टाइम नींद आना, उल्टी रहना, उल्टी जैसा मन रहना, ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं और सातवें हफ्ते में ये थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सेवेंथ वीक के लिए मेरा ये टिप है कि आप जब आपको टाइम मिले रेस्ट करिए थोड़ा सा। आप अगर वर्किंग है तो घंटा भर काम करके आप उसमें से 5 to 10 minutes निकालिए अपने लिए और थोड़ा रेस्ट लीजिए, बीच में ब्रेक लीजिए। आप अगर हाउसवाइफ है तो भी आपको लगातार काम नहीं करना है, आपको हर घंटे 5 to 10 minutes का ब्रेक लेना है ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे। अगर आप पूरे दिन काम करते रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आपको थकान, कमज़ोरी ये सब महसूस होगी। बीच बीच में अगर आप ये छोटे छोटे ब्रेक लेंगे तो आप पूरे दिन आराम से रिलैक्स्ड वे में काम कर सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपको अपना पेट कभी भी खाली नहीं रखना है पूरी तरह से, थोड़ा थोड़ा आपको बार बार खाते रहना है। आप पहले हो सकता है कि दिन में 2 or 3 ही खाना खा रहे हो, लेकिन अभी प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि हर 2.5 to 3 hours में आपको कुछ ना कुछ हल्का फुल्का स्नैक या थोड़ा थोड़ा कुछ मेजर मील ये आपको लेना है। तो जो टिप है वो यही है कि थोड़ा थोड़ा और बार बार खाना है। आप अगर बहुत ज़्यादा भूखे रहेंगे या एक साथ बहुत ज़्यादा खाने की कोशिश करेंगे तो आपको वॉमिटिंग हो जाएगी, तो उससे बचने के लिए आप ये कोशिश करिए
ये आपको भूखे नहीं रहना है, उससे आपके बच्चे को भी टाइम पे ग्लूकोज की मात्रा जो है उसमें कम नहीं होगी, हमेशा उसको एक कांस्टेंट ग्लूकोज की सप्लाई मिलती रहेगी, जो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। सेकेंड मंथ का लास्ट वीक, 8th वीक में आपका जो बेबी है वो लगभग एक राजमे के दाने जितना बड़ा हो जाता है, एक बीन साइज का हो जाता है, उसकी आईज डेवलप हो चुकी हैं, अब उसके ईयर्स भी दिखाई देने लगते हैं और आई के ऊपर जो फोल्ड है, आईलेट्स हैं, वो भी विकसित होती है। बच्चे के जो हाथ और पैर हैं उनके एंड पे वेब्ड फिंगर्स, वेब्ड टोज दिखाई देते हैं और हार्ट बीट भी बहुत अच्छे से प्रॉपरली विजुअलाइज हो जाती है। तो जो हार्ट बीट अगर आपको 6ठे हफ्ते में नहीं दिखाई दी थी, उसके लिए आपको 5 10 से 15 दिन बाद वापस से सोनोग्राफी के लिए बुलाया था, तो वो चीज़ अब आपकी बहुत स्पष्ट रूप से दिख जाती है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें कुछ चेंजेस इंपॉर्टेंट आते हैं 8वें हफ्ते में। आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, यानी कि जो आपका हार्ट है, उसको अब थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, उसको ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ रहा है और ब्लड की जो मात्रा है, ब्लड वॉल्यूम जो है, वो भी इंक्रीज हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हार्ट को और ज़्यादा काम करना पड़ता है और हल्का फुल्का आपके ब्लड प्रेशर में भी चेंज आने लगता है, ब्लड प्रेशर हल्का सा कम हो जाता है। तो ये सब चेंजेस की वजह से आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको हमेशा ऐसे लेथार्जिक थका हुआ फील हो सकता है इस टाइम पे, आपको हर खाने में से स्मेल भी आने लगती है। तो मेरा यही टिप है आपके लिए 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में कि आप अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखिए, कभी भी पानी की कमी मत आने दीजिए, और अपनी अलग से आप बॉटल रख सकते हैं या 8 से 10 गिलास पानी गिन के डेली पी सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको चक्कर ज़्यादा रहते हैं तो सिंपल सा सोल्यूशन जैसे होता है घर में, आप अपना ORS, सभी जानते हैं दस्त में सब पीते हैं ORS को, ORS का घोल बना के, वैसे ही ORS, ग्लूकॉन डी, ये चीज़ें आप बार बार ले सकते हैं। पूरे दिन में आप ORS का एक सोल्यूशन बना के बार बार थोड़ा थोड़ा उसमें से सिप ले सकते हैं, तो उससे आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहेगा, आपको चक्कर नहीं आएंगे। साथ ही साथ आप नारियल पानी भी ले सकते हैं, उसमें भी अच्छा इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो था 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपका बच्चा अंदर एकदम सुरक्षित है, उसका डेवलपमेंट बिल्कुल टाइम पे चल रहा है और 2nd मंथ में उसके फेशियल फीचर्स डेवलप हो गए हैं, आईज, नोज, माउथ, ईयर्स, साथ में उसके लिम्फ बड्स, और मदर में लोअर एब्डोमिनल पेन, नीचे से में दर्द रहना, कमर दर्द रहना, मूड स्विंग्स होना, चक्कर आना, उल्टी जैसा रहना, खाना खाने की इच्छा नहीं होना, छाती में भारीपन रहना, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हो सकते हैं। तो 2nd मंथ के लिए मेरा टिप यही है कि आपने अगर अभी तक चेक नहीं करवाया है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर चेक करवाइए। कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं जैसे कि सोनोग्राफी हो गई, उसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है कि बच्चा ठीक है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सिंगल प्रेगनेंसी है या ट्विंस है या मल्टीपल और ट्रिपलेट्स हैं या फिर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी तो नहीं, बच्चे की हार्ट बीट तो आ गई है या नहीं आई है, तो ये सब चीज़ों के लिए सोनोग्राफी ज़रूरी है। फर्स्ट सोनोग्राफी को हम डेटिंग सोनोग्राफी कहते हैं। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, कुछ आपके ब्लड टेस्ट जिसमें आपका हीमोग्लोबिन लेवल, ब्लड ग्रुप, थायराइड प्रोफाइल, शुगर लेवल्स, लिवर टेस्ट, किडनी टेस्ट और यूरिन फंक्शन टेस्ट, ये कुछ बेसिक जाँच हैं। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शन की जाँचें होती हैं जैसे कि HIV, HBsAg, VDRL, आपको पहले अबॉर्शन की हिस्ट्री है तो रूबेला का टेस्ट भी होता है, अगर ब्लड लेवल्स कम रहते हैं तो थैलेसीमिया का टेस्ट भी होता है, तो ये सारे टेस्ट आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करेंगे। इनके अलावा आपको फॉलिक एसिड स्टार्ट करना है, कुछ अगर ज़रूरत लगती है डॉक्टर को तो प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन्स के सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं, बच्चे की डेवलपमेंट के लिए DHEA या कुछ और मल्टीविटामिन, ये ज़रूरी हो सकते हैं कई बार, तो वो आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करेंगे। अगर आपको पहले अबॉर्शन की हिस्ट्री है तो हो सकता है आपको एस्पिरिन या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन जैसे इंजेक्शन लगें, तो वो सब चीज़ें आप जो है अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। आप अपनी हिस्ट्री प्रॉपरली क्लियरली अपने डॉक्टर को बताइए पहले विजिट पे कि क्या हुआ है, पहले अगर अबॉर्शन हुए हैं तो किस टाइम पे हुए हैं, कितने हुए हैं, उनको छुपाने से कुछ नहीं होगा। और अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है
तो भी आपको अगर पहले कोई दवाइयाँ चल रही हैं तो वो चीज़ें आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो था सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया वीक 5, 6, 7 और 8 में आपके बेबी में और आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आपको देख सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। थैंक यू।